पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, वहीं एक बदमाश मौका मिलते ही फरार होने में कामयाब हो गया। फरार बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। ये मामला भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के मंडावर पुलिस चौकी का है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गया, वहीं मौका मिलते ही दूसरा बदमाश फरार हो गया। फरार बदमाश की पुलिस जंगल में तलाश कर रही है, वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश शहजाद रुड़की के ऊपर डकैती के कई मामले दर्ज हैं। इस बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से आता हुआ दिखाई दिया था। जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़ के भागने लगा। जब पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो केस में जाके उसने फायर पुलिस कर दिया। जब उसके बाद सूचना जब थाना प्रभारी द्वारा हमें दी गई तो SP देहात और CO की पूरी टीम ने मिलकर फॉर्मिंग करने के बाद जो हुई फायरिंग में, हालांकि ये घायल हुआ है, इसकी अरेस्टिंग करी है। ये जो अपराधी है इसका विवरण 25,000 का हमारा अपराधी भी था, 25,000 का इनाम से डकैती में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।